हेलो गाइस, मैं आपका दोस्त निकेतन सिंघानिया और आप सभी का स्वागत आपके यूट्यूब चैनल भूखा भालू पर। गाइस, अगर आप भी मैगी लवर हो तो IMT के सामने राजनगर में क्लासिक पास्ता पॉइंट है, यहाँ भैया मैगी बनाते हैं ज़बरदस्त। आइए हम भी और खा के बताएंगे कैसी मैगी बनाते हैं भैया। जैसे सुनिए क्या वैसी मैगी है या बस नाम ही नाम है। आइए चलिए हमारे साथ, आइए। हाँ जी गाइस, आ गए हम भैया के पास क्लासिक पास्ता पॉइंट पे। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम श्याम है। श्याम, हाँ नाम भी बहुत प्यारा है भैया का, श्याम। हाँ जी भैया, क्या बनाने वाले हो आज हमारे लिए? अभी मैं बनाने जा रहा हूँ बटर मेयो मैगी, बटर मेयोनीज मैगी। मेयोनीज मैगी, हाँ। कैसी लगेगी? जैसे सुना है नाम से तो अट्रैक्टिव लग रही है। बहुत अच्छी मैगी है, टेस्ट बहुत अच्छा है। इसके अंदर बटर है, मेयोनीज और मेरी एक पास्ता सॉस होती है रेड सॉस, उसको मैं थोड़ा सा इंक्लूड करूँगा और बनने के बाद बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और देखने में भी बहुत अच्छी सुंदर मैगी लगती है। ठीक है, आप बनाइए। आने जाने बटर मेयोनीज मैगी। हाँ जी, तो जो आपने बटर डाला है, काय का डाला है? मतलब अमूल, ये अमूल, मैं अमूल बटर ही यूज़ करता हूँ, उसके अलावा दूसरा कुछ नहीं। अच्छे, चलो स्टार्ट करिए। अब हम डालने वेजिटेबल। तो कितने मिनट में तैयार हो जाएगी ये? 7 से 8 मिनट। जैसे मैगी का एड माता है, 2 मिनट में मैगी तैयार, तो फेक है वो? नहीं, 7 मिनट तो कम से कम लगी जाते हैं, लगती है। 2 मिनट तो उसे उबालने में लगती है, क्योंकि प्याज फ्राई होती है, फिर पानी डलेगा, पानी डलने के बाद मैगी डलती है, उसके बाद पकती है, तो टाइम लगता है, 6 से 7 मिनट लग जाते हैं। हाँ जी, ये तो है। ये हमने चिली फ्लेक्स, ओरिगेनो, मैगी मसाला, गरम मसाला और थोड़ा नमक। तो कब से लगा रहे हो भैया आप यहाँ पे? मेरे को यहाँ पर 6-7 साल हो गए। इससे पहले कहीं और लगाते थे, कुछ और काम करते थे? नहीं नहीं, उससे पहले तो अपना हम कैटरिंग का काम करते थे। कैटरिंग का काम? कैटरिंग, शादी ब्याह कैटरिंग का। अच्छा, ना पहले चला जाऊंगा। ये आ गया हमारा पानी, गंगा चला गया हमारा। ये हमने डाला इसमें पानी। और ये हमने डाली, ये आ गई हमारी मैगी। मैगी, इस मैगी में जो यप्पी मैगी आती है, व्हाइट सॉस जो भी है, इस वाली मैगी में और यप्पी मैगी में क्या डिफरेंट है? हमारी ये नेस्ले की मैगी है, इसका टेस्ट अल्टीमेट है। वो जो यप्पी की होती है वो यूज नहीं करते आप? मैं यूज नहीं करता, इसलिए मुझे नहीं पता उसका टेस्ट कैसा है। अच्छा। मैं सिर्फ यही मैगी यूज करता हूँ। हमारा मैगी मसाला और पास्ता, मैं पेने पास्ता, जिप्पी का पेने पास्ता, जिप्पी का पेने पास्ता। ये थोड़ा पानी इंक्लूड कर दिया जी, ताकि कच्ची ना रहे। जी जी, ठीक है। अब उस गैस के कटवा, ये बन गई हमारी मैगी, हो गई तैयार भी नहीं। हाँ जी, अब इसके अंदर मुझे कुछ चीज़ें इंक्लूड करनी है। क्या क्या? अब इसके अंदर मेयो आएगी, मेयो, मेयोनीज, मेयोनीज आएगी। तो जो मेयोनीज है किस कंपनी की है? ये वीवा, वीवा मतलब सारी चीज़ अमूल की, क्रीम वीवा की। ऐसा क्यों? नहीं नहीं, अमूल की नहीं आती है। अच्छा, क्रीम अमूल की आती नहीं है? अमूल की नहीं आती मेयोनीज, अमूल वीवा सबसे अच्छी कंपनी है। अच्छा। मेयोनीज के अंदर वीवा सबसे बेस्ट है। अच्छा, रेड सॉस पास्ता तो खाया आज, पहली बार रेड सॉस मैगी भी खा रहे हैं। हाँ, रेड सॉस मैगी भी बोल सकते हैं इसको। हाँ। क्योंकि इसके अंदर जो सॉस है वो हमारी अपनी है। अच्छा, अपनी बनाई हुई सॉस होती है। क्या मिक्स करते हैं सॉस में? ये हमारी अपनी है, टमाटर मसाले से हम इसको बनाते हैं। अच्छा अच्छा, खा के एकदम जबरदस्त स्वाद आने वाला है। हाँ जी, जब भी तो नाम भैया का क्लासिक पास्ता पॉइंट है, क्लासिक तरह से बनाना है, सब बढ़िया तरीके से सफाई से बनाते हैं ताकि कस्टमर को भी अच्छा लगे। ये हो गई हमारी मैगी तैयार। गाइस, आ गई है हमारी मैगी। भाई साहब, देखने में तो अल्टीमेट लग रही, ज़बरदस्त लग रही है। बटर ही बटर है, रेड सॉस मैगी है ये।
वाला चीन है, बेहतरीन बना रखी है मैगी, जितना सुनाना है इनसे उससे भी हटके है। ये भी नहीं कि यहाँ वीडियो के लिए झूठी तारीफ कर रहा हूँ, वाकई में जेन्युइन टेस्ट है। आप भी आ सकते हो खा के और कमेंट सेक्शन में बताना आपको कैसी लगी, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू गाइस।